गुरु चाणक्य एक ऐसा नाम जिनके इशारों पर पूरा मगध चल रहा था, वो नाम जो हर चाल और हर रणनीति के पीछे मुख्य होता था। यानी कि भले ही महाराज चंद्रगुप्त मौर्य अपने चेहरे के साथ मगध पर शासन कर रहे थे, लेकिन हर कोई जानता था कि चंद्रगुप्त के दिमाग के पीछे और उनकी रणनीति में कुशलता के पीछे गुरु चाणक्य का एक बेहद महत्वपूर्ण हाथ है। यानी कि गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य, मगर यहाँ गुरु ने चली है एक ऐसी चाल जिसके बाद शिष्य की दुनिया उजड़ने के पूरे हैं आसार। जी हाँ, बात उसी टर्न की कर रहे हैं जहाँ चंद्र और नंदिनी अलग हो रहे हैं। वैसे आपने देखा ही होगा कि गुरु चाणक्य को कई बार इस बात की भनक लगी थी कि दुर्धरा के साथ जो भी कुछ गलत हो रहा है उसमें महारानी नंदिनी का नहीं बल्कि हेलेना और उसकी माँ का हाथ है। इसके साथ ही सब कुछ सामने होते हुए भी गुरु चाणक्य न जाने क्यों खामोश हैं और हर बार नंदिनी पर ही दुर्धरा की मौत का इल्जाम बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि काफी समय से गुरु चाणक्य को ऐसा लगता था कि यदि नंदिनी चंद्र के साथ रहती है तो शायद चंद्र गुरु चाणक्य के हाथ से निकल जाएगा, और ऐसा कई बार हुआ भी। उसने नंदिनी और चाणक्य की बात में से नंदिनी का चुनाव किया, इसलिए गुरु चाणक्य को ये चाल चलनी ही पड़ी। आने वाले टाइम में काफी दिलचस्प होगा ये देखना कि जब खुलेगा गुरु चाणक्य का ये राज तो क्या चंद्र माफ कर पाएगा अपने गुरुजी को, क्या वो समझेगा उनकी बात, या फिर यहाँ फिर से चाणक्य चलेंगे एक नई रणनीति। इस तरह की और खबरों को जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से दीक्षा की रिपोर्ट।